गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब फर्स्ट वेलकम टू यू वेलकम बैक ऑन और ऑनलाइन क्लासेस तो देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया हुआ है हमारे जो ऑनलाइन क्लासेज है और देखो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि आपको अब इसको ऐसे लाइटली नहीं लेना है क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का है यह जो शेड्यूल है काफ़ी लंबा चलेगा हमारे ठीक है तो फिर आपको इनको ही सही ढंग से, से समझकर जो भी है आपका ठीक है इसको सही ढंग से, से समझकर और एक क्लास के अकॉर्डिंग ठीक है प्रॉपर सही ढंग से वर्क करना टीचर्स को वर्क सेंड करना जो भी है सारा एक क्लास के प्रॉपर ही करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप इसको अब लाइटली ना लें वो 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 पहले क्या था तो आपने सोचा था क्या पता शायद सिचुएशन जो है वो ज़्यादा होगी नहीं कंट्रोल हो जाएगी और हम वापस स्कूल के अंदर क्लासेस वगैरह लगा लेंगे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप लोग इसको सही ढंग से मैनेज करें ठीक है देखें समझें जो भी है आपकी दिक्कत वगैरह कुछ अगर प्रॉब्लम है तो टीचर्स के साथ शेयर करें अदरवाइज जो भी है आपका अच्छा चल रहा तो बहुत अच्छी बात है तो देखिए मैं आपको बता दूँ इसके अंदर हमने एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स इस्टार्ट किया था ठीक है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट कर लिया था ठीक है और मैंने थोड़ा तो सा आपको ऊपर का ये भी लिखने के लिए दिया था ठीक है तो इसको भी देखिए आप मैं भी ये आपको समझा दूँ देखो ये तो ना 6.6 का जो क्वेश्चन नंबर ए है ये तो हमारा हो गया था कंप्लीट ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको ठीक है ना इसके अंदर हमें क्या लिखना था बेस एंड एक्सपोनेंट और देखो वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं हैं अगर आप लोगों ने इनको कनेक्ट नहीं रखा एक दूसरे से जैसे कि आपने जो भी लास्ट टाइम पढ़ा था उसको एक बार फाइव मिनट्स का टाइम देकर रिवाइज़ कर लीजिए थी, ठीक है ताकि देखो ऐसे क्या चीज़ें कनेक्ट रहेगी तो आपको समझने में ईजी रहेगा ठीक है आप पीछे वाला नहीं देख रहे हो अगर आप भूल रहे हो वापस उसको तो फिर आगे का आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो एक बार आप इसको जो भी आपको समझाया है उसको एक बार वापस जो अगर आपने होमवर्क किया ना उसको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट वगैरह है वो वहीं पर क्लियर हो जाएंगे और आगे के लिए समझने में ईजी रहेगा ठीक है तो देखिए मैं ये तो हमारा हो गया था ये ऊपर की जो डेफिनेशनस है ये जो मैंने आपको दी थी ये मैं आपको समझा दूँ एक बार ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखो सबसे पहले आप इसको देखो ये ऊपर जो लिखा है इसको कोई तरह से मतलब नहीं आप तो सीधा इसी से समझो इससे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है क्या लिखा हुआ सेंटेंस द वैल्यू ऑफ़ जीरो रेज टू एनी पावर इज ज़ीरो अगर आप जीरो की पावर है ना चाहे कुछ भी लगाओगे अभी कैसे ये पावर वगैरह ये होता क्या है तो देखो मैं आपको इसको यहाँ पे लेकर समझाता हूँ अगर जैसे मैंने जीरो के ऊपर लिख दिया पावर थ्री लगा दिया ऐसे ठीक है अब पावर थ्री तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि मुझे जीरो को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर के जो पावर होते हैं ना उसको हम उसी उत, उतने टाइम में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अब मैं ना जीरो को अगर मैं थ्री टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा जीरो ही आएगा तो इस पर यह लिखा है द वैल्यू ऑफ़ जीरो रेज टू एनी पावर इज जीरो अगर आप ज़ीरो की पावर कुछ भी लगाओगे ना कुछ भी हंड्रेड टेन वन थाउजेंड कुछ भी लगाओगे तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा ज़ीरो मिलेगा क्योंकि आपको पता है ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है ज़ीरो ठीक है वेन्यू मल्टीप्लाई ए नंबर विद जीरो देन आंसर विल बी ज़ीरो ठीक है अगर आप जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलता है जीरो मिलता है तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि जीरो के पावर कुछ भी लगाओ हमेशा आंसर क्या मिलेगा ज़ीरो मिलेगा अब यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ वन रेज टू एनी पावर आप अगर वन की पावर जो है रेज़ का मतलब ये रेज का तो जो ऊपर लिखा होता है ना इसके लिए रेज वर्ड काम में लेते हैं ठीक है जैसे अगर मैंने वन की पावर फाइव लिखा है तो इसका मतलब क्या है <coughs> मुझे वन को वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसको फाइव टाइम मल्टीप्लाई करना है अब मैं वन को चाहे फाइव टाइम मल्टीप्लाई करूँ चाहे मैं हंड्रेड टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा इसका वन आएगा ठीक है तो इसका भी आंसर क्या आएगा वन ठीक है देखो जिसकी जो पावर होती है ना उसको उतने ही टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक है जीरो में क्या बताया था ज़ीरो के पावर कुछ भी लिखो आंसर हमेशा जीरो आएगा वन के पावर कुछ भी लिखो वन के पावर कुछ भी लिखो तो आंसर क्या आएगा वन आएगा क्या आएगा वन जैसे यहाँ पर लिखा है ना ये आपके लिखा हुआ है रॉन्ग ठीक है बुक में जो लिखा ना ये आपके मिसमेंट है वन की पावर अगर मैं फाइव करूँगा तो मुझे वन मल्टी वन मल्टी वन मल्टी वन मल्टी वन करना पड़ेगा और सबका आंसर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वन आएगा वन मल्टी वन वन मल्टी वन ऐसे वन ही आएगा ठीक है तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर इसको सही कर लेना ठीक है ये हो गया और ये देखिए नेक्स्ट देखिए इसका किसी भी नंबर की पावर जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं इसके अंदर अगर मेरे पास एट है मैंने एट की पावर जीरो लगा दी किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा वन आएगा क्या आएगा उसका वन ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास क्योंकि देखो ये जो है आपके सिलेबस के अंदर अभी है नहीं नाइन्थ और एट्थ नाइन क्लास के अंदर एक्सपोनेंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं तो वहाँ पर ये पूरा फार्मूला वगैरह है वहाँ पर पूरा इसको ड्राइव किया कि ये वन कैसे आता है ठीक है तो वो अभी अभी के लिए बताना आपको ना तो पॉसिबल रहेगा और ना आपका समय में आने वाला है ठीक है तो अभी के लिए आपको क्या करना है अभी के लिए आपको इतना सा ये ध्यान रखना है किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर उसका हमेशा क्या बनेगा वन बनेगा ठीक है ये थोड़े से जो कंसेप्ट के जैसे जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इनको आपको लर्न करना है आपको उनको याद रखना ही पड़ेगा ठीक है अदरवाइज आगे वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे हमसे ठीक है और ये देखो 25 की पावर वन जैसे मेरे पास नंबर लिखा है ट्वेंटी थ्री मैं आपसे पूछूँ ये इस ट्वेंटी थ्री की पावर अभी क्या है तो अभी क्या है कुछ ने लिखा है तो क्या मानते हैं वन मानते हैं ठीक है, है किसी भी नंबर की पावर अगर नहीं लिखी हुई है तो वो हमेशा क्या माना जाएगा वन माना जाएगा क्यों माना जाएगा क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको मैंने कहा था अगर मेरे पास टू की पावर थ्री है तो मैं इसको क्या लिखूँगा टू मल्टी टू मल्टी टू लिखूँगा ठीक है टू को ही थ्री टाइम लिखना है टू को थ्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है ठीक है अगर मैं टू की पावर वन लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा वन टाइम टू लिखूंगा ठीक है ना तो ये ऐसे होगा देखो यहाँ पर पावर है तो मैंने इसको वन टाइम लिखा है थ्री है तो मैंने इसको थ्री टाइम लिखा है ठीक है तो वन पास में लिखा हुआ तो भी ठीक है नहीं लिखा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वन पावर तो हमेशा से उसकी होगी क्योंकि एक वन टाइम तो वो लिखा हुआ ही है वन टाइम लिखा तो उसकी पावर वन तो होगी अपना आप ओके तो ये भी मैंने आपको करने के लिए दिया था और एक्सप्लेन मैंने आज कर दिया अब आप देखिए नेक्स्ट इसके अंदर सिक्स पॉइंट सिक्स का जो क्वेश्चन नंबर ए है वो तो हमारा हो गया था कम्प्लीट नेक्स्ट देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर बी अब देखिए इसमें क्या लिखा है राइट यूजिंग पावर नोटेशन देखो नोटेशन क्या होता है ये भी समझ लो एक तो जैसे दो वर्ड आएंगे आपके अलग अलग बुक्स के अंदर मिलेंगे आपको एक तो होता है नोटेशन और एक होता है फॉर्म ठीक है हिंदी में हम एग्जैक्ट इसको बोलना तो इसको बोल सकते हैं रूप क्या बोल सकते हैं रूप यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना सारे क्या लिखे हुए हैं टेन लिखे हुए हैं ठीक है और कितने बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं फोर टाइम्स है ना फोर टाइम फोर टाइम्स ये मल्टीप्लाई के अंदर लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है आप इसको पावर पावर के फॉर्म में लिखो नोटेशन है ना नोटेशन के जरिए हम फॉर्म भी बोल सकते हैं और नोटेशन में भी बोल सकते हैं नोटेशन और फॉर्म का मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है तो अगर मुझे इसको पावर के साथ लिखना है अभी मैंने ऊपर क्या समझाया था कि यहाँ पर टेन लिखा है फोर टाइम मल्टीप्लाई के अंदर क्या मैं इसको टेन की पावर फोर लिख सकता हूँ तो मैं इसको देखकर यहाँ लेता हूँ पास में इसका आंसर क्या आएगा टेन की पावर फोर अब फोर क्यों आएगा क्योंकि टेन जो लिखा हुआ है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है फोर टाइम मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ठीक है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इतना से आंसर है इसका और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको क्वेश्चन में लिखा है इसको आपको पावर के फॉर्म में लिखना है ठीक है ना पावर नोटेशन के साथ में लिखना है तो पावर तो ऐसी बनेगी ठीक है ये इसका आंसर हो गया इसमें देखो माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन की पावर क्या है देखो पावर कैसे बनेगी देखो कितने बार मल्टीप्लाई लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स टाइम मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस थर्टीन के पावर सिक्स ठीक है इक्वल लगा दीजिएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा माइनस थर्टीन के पावर सिक्स ठीक है तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर ओके तो देख लीजिएगा ये भी आपके ठीक है ये भी इजी है वैसे तो कुछ नहीं करना जो नंबर मल्टीप्लाई में जितने बार लिखा हुआ है उसको उसकी पावर के फॉर्म में लिखना है ओके नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट देखिए हाँ ये हो गया था ए हो गया बी हो गया अब आप देखो इसका सी वाला क्वेश्चन और इस बार थोड़ा सा मैंने और नया इनिशिएटिव आपके लिए किया है कि देखो ये जो है ना नीचे वाला पेज जो ये नीचे वाला पेज है आपको स्पेस मिल जाएगा ताकि मैं भी यहाँ पर आराम से लिख सकूँ और आपको ईजिली समझ में आ जाए ठीक है तो देखिए इसके अंदर इसके भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम ये उस पहले हमने ए किया था ये पीछे जैसे लिखा हुआ है ना ए हो गया तो बी हो गया अब हमें इसका सी क्वेश्चन करना है ये उसी एक्सरसाइज का है उसी का मतलब सिक्स पॉइंट सिक्स का है ठीक है क्लास वर्क से ढंग से करना आपको एक यूजल एक्सरसाइज लगाना है पहले फिर क्लास वर्क डेट वगैरह जो भी है मैंशन करते हो आप लोग ठीक है काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आपको भी अच्छा ही करना है ठीक है तो ये देखिए ये हो गया इसके अंदर अब आप देखो क्वेश्चन नंबर सी को फाइंड द वैल्यू ऑफ अब आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईजी चल रहे थे ये भी ईजी है वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा नया कंसेप्ट हो तो फिर आपको एक बार समझना पड़ेगा देखिए फिफ्टी की पावर क्या लिखी हुई है टू लिखी हुई है है ना फिफ्टी की पावर अगर टू लिखा हुआ है तो आपको इसके अंदर आपको क्या करना है अभी मैंने क्या समझाया था आपको किसी भी नंबर की जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं उतना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं उतना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मैं अगर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे टू टाइम लिखना पड़ेगा अब टू टाइम क्यों लिखना है क्योंकि आप पावर देखो क्या लिखी हुई है पावर टू लिखी हुई है है ना <coughs> अगर पावर होगी थ्री तो मुझे थ्री टाइम लिखना पड़ेगा एंड पावर फोर तो मुझे फोर टाइम लिखना पड़ेगा ओके तो देखो अब फिफ्टी को मैंने टू टाइम लिख दिया है और वो वैल्यू का बोल रहा है तो वैल्यू कब निकलेगी जब मैं उसको पूरा सोल्व करेंगे ठीक है ना तो इसको पूरा सोल्व करना है अब पूरा सोल्व कैसे करना है बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है दूसरा हमारे पास एडिशन सब्जेशन डिवाइड कुछ भी नहीं दिख रहा है ठीक है तो देखिए 50 को 50 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई सबको आता है मेरे हिसाब से ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको ट्वेंटी फाइव और डबल जीरो ये भी आपको सिखाता था मैं देखो तो इसके पीछे भी जीरो है इसके पीछे भी जीरो है ये स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन के थोड़े से मेथड है ये भी देख लो साथ में इसके पीछे जीरो इसके पीछे जीरो अगर मल्टीप्लाई में पीछे जीरो है तो इन ये दोनों तो फिक्स आने ही है ये डबल जीरो तो मैंने सीधे लगा दी यहाँ पर ठीक है अब नंबर जीरो के अलावा क्या है फाइव फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा ट्वेंटी फाइव वो सीधा ट्वेंटी फाइव आगे लगा दो ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर यानी कि आप इसको लिखोगे कैसे नंबर वन लिखा इसके सामने आपको लिखना है फिफ्टी मल्टीप्लाई फिफ्टी टू टाइम लिख दिया एंड इजिकल टू ट्वेंटी फाइव डबल जीरो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो गया इसका आंसर ठीक है ऐसे करना है इसको नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब सेकंड में आपको है कन्फ्यूज़न ठीक है क्योंकि क्या सर फोर्टी सेवन टाइम लिखा है पावर अब अगर मैं यहाँ पर माइनस वन की पावर अगर फोर्टी सेवन टाइम लिखूँ तो मैं क्या वन को फोर्टी सेवन टाइम मल्टीप्लाई करूँगा वन को मुझे फोर्टी सेवन टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं करना आपको ऐसा क्यों नहीं करना है क्योंकि देखो मैं आपको समझा दूँ इसके अंदर अब भी हमने पीछे क्या पढ़ा था वन की पावर अगर वन की पावर कितनी भी आ जाए हंड्रेड टू टेन ठीक है तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा वन ही आएगा तो इसका आंसर तो वन ही आएगा आंसर क्या आएगा इसका वन लेकिन यहां पर देखो यहां पर माइनस का वन है क्या लिखा हुआ इधर माइनस वन लिखा हुआ है ठीक है अब कंफ्यूजन ये रहेगा कि यहां पर पास में माइनस आएगा नहीं आएगा तो वन ही क्योंकि वन को अगर मैं फोर्टी सेवन टाइम भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा वन ही मिलेगा ठीक है तो आंसर तो वन ही आएगा लेकिन यह है कि नेगेटिव आ गया तो माइनस भी तो साथ माना चाहिए अब माइनस आएगा नहीं आएगा उसको आप समझो पहले इसकी पावर क्या लिखी हुई है फोर्टी सेवन अब मुझे बताइए फोर्टी सेवन इवन है या ओड है अगर फोर्टी सेवन देखो पावर है ना पावर अगर ओड है तब तो माइनस उसके साथ में बसा आता है और पावर अगर इवन है तो पास में माइनस नहीं आएगा क्या आएगा प्लस आएगा ठीक है सीधा सा कंसेप्ट है इसमें कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है ठीक है अब इवन ओड भी अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी मैं भी समझा दूंगा ठीक है पहले इसको समझ लीजिए आप 47 कैसा है ओड नंबर है तो इस पास में क्या आएगा माइनस आएगा इसलिए आपको इसके पास में माइनस वन लगाना पड़ेगा यानी कि अगर मैं फोर्टी सेवन टाइम माइनस वन को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे लास्ट का आंसर क्या मिलेगा माइनस वन मिलेगा और इतना बड़ा मल्टीप्लाई हमें करना नहीं है वन को फोर्टी सेवन टाइम कम लिखेंगे हम ठीक है इसीलिए देखो पीछे मैंने बताया था आपको कि वन की पावर कुछ भी लगा देना तो उसका आंसर क्या आएगा वन ही आएगा ठीक है तो वन को तो मल्टीप्लाई करने से वैसे मतलब नहीं है डिफरेंस रहेगा साइन का तो साइन के लिए इवन और ओड आपको देखना पड़ेगा अब जैसे देखो इसी के जैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर नंबर फोर लिखा है मैं फोर भी आपको साथ में समझा दूँ यहाँ भी माइनस वन है तो इसके लिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके दिक्कत नहीं आएगी ना ये जैसे लिखा हुआ है ये इसके अंदर ये वाला ना ये माइनस वन की पावर ट्वेंटी है माइनस वन है तो आएगा तो माइनस वन ही इसका आएगा तो माइनस वन ही सॉरी 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 जस्ट अ सेकेंड यहाँ से देखिए यह नंबर फोर में यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस वन की पावर ट्वेंटी ठीक है आंसर तो वन ही आएगा ठीक है और यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर थी फोर्टी सेवन यहाँ पर पावर है ट्वेंटी ट्वेंटी का सही इवन या ओड ट्वेंटी है आपके इवन नंबर इवन है तो प्लस आएगा और ओड तो माइनस आएगा इसलिए इसके पास में क्या आएगा प्लस आएगा ठीक है देखो वापस समझो एक बार कन्व्यूजन है तो फिर भी 47 सेवन पावर है इसकी तो 47 सेवन कैसी है ओड ओड तो क्या आएगा पास में माइनस आएगा और अगर पावर इवन है यानी कि ट्वेंटी इवन है तो पास में क्या आएगा प्लस आएगा और वन को मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है ये इसका मेथड है और इवन ओड किसी को नहीं पता तो देखो मैं आपको ये भी समझा दूँ इवन इवन और ओड के अंदर डिफ्रेंस ये है इवन नंबर का जो तो पीछे का डिजिट होता है यानी कि जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो आप तो उसके अंदर यह है कि आपके इवन नंबर के जो पीछे के डिजिट है वो हमें से ज़ीरो टू फोर सिक्स और एट मिलेंगे ठीक है ना किसी भी नंबर का सबसे पीछे का डिजिट है जिसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं लास्ट डिजिट बोल सकते हो आप ठीक है तो वो अगर टू ज़ीरो फोर सिक्स एट में से है तो वो नंबर क्या होगा इवन होगा और अगर इसके अलावा वन थ्री फाइव सेवन और नाइन है तो वो नंबर क्या होगा ओड होगा फोर्टी सेवन में पीछे क्या आ रहा है सेवन आ रहा है इसलिए नंबर क्या हो गया ओड हो गया ट्वेंटी में पीछे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो इसलिए क्या हो गया इवन हो गया इवन आएगा तो साइन प्लस रहेगा और ओड तो साइन कैसा रहेगा माइनस रहेगा ओके okay? तो ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपके अब आप देखिए वन हो गया इसका टू भी हो गया नंबर फोर भी हमने समझ लिया नंबर आप देखिए इसका नंबर थर्ड ठीक है अब नंबर थर्ड के अंदर क्या करना है आपको नंबर थर्ड में देखिए वन के पावर हंड्रेड और अभी जस्ट मैंने क्या समझाया वन की पावर चाहे कुछ भी आ जाए वन की पावर चाहे कुछ भी आ जाए आंसर क्या आएगा इसका आंसर वन ही आएगा कैसे इसके पास तो माइनस वगैरह है नहीं अगर ये प्लस में है तो मैं माइनस के माइनस को देखना ही नहीं अगर माइनस होगा तो हम पावर को देखेंगे कि ये वन या और है या नहीं है पावर ये पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होती जाएगी तो पॉजिटिव ही रहेगा पॉजिटिव का मतलब प्लस है ना तो ये तो प्लस में आएगा तो थ्री का आंसर क्या आएगा आपको सीधा के सामने वन लिखना है ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर ठीक है वन टू थ्री फोर हो गया नंबर फाइव देख लीजिए अब नंबर फाइव में लिखा हुआ है माइनस टू माइनस टू की जो पावर है वो एट है है ना तो एट पावर है तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको एट टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है जस्ट अ सेकेंड देखिए नंबर फाइव माइनस टू की पावर लिखा हुआ है एट है ना तो अभी मैंने समझाया था जितनी उसकी पावर होगी उतना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको माइनस टू को ए टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा माइनस टू को ए टाइम अब माइनस टू को ए टाइम मल्टीप्लाई कैसे है? देखो समझो इसको माइनस टू माइनस टू इधर भी माइनस टू इधर भी माइनस टू इधर भी, 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 भी माइनस कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये हो गया एट ए ट एन लिख दिया मल्टीप्लाई के अंदर आपको सही ढंग से लिखना है ठीक है मेरे पास स्पेस वगैरह ज़्यादा है नहीं तो आपको समझाने के लिए इससे काम हो जाएगा वैसे अपना ठीक है तो देखिए अब है ना सबसे पहले आप इसके अंदर या तो पहले साइन का हिसाब कर लो कि साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा देखो अगर साइन जैसे इसके पास तो प्लस ही था इसके पास भी प्लस था कुछ कैसे इसके पास तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है आप प्लस कैसे बोल रहे हो किसी भी नंबर के पास में अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता है तो हम उसको हमेशा क्या मानते हैं प्लस मानते हैं और प्लस को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉजिटिव ठीक है और माइनस को क्या बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं माइनस तो सो करना पड़ेगा माइनस नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको हमेशा प्लस ही मानेंगे ठीक है तो इसके पास खुद नहीं लिखा तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ठीक है ये इधर सिक्स के अंदर ये दोनों पॉजिटिव है ठीक है तो ये तो पॉजिटिव हो गया देखो पहले आप साइन का हिसाब कर लो एक बार ना साइन का आपके लिए ईजी रहेगा माइनस तो इसके अंदर है ही हम क्वेश्चन नंबर फिफ्ट सोल कर रहे हैं अंदर तो माइनस है इसके अब माइनस अंदर है माइनस भी साथ में आ रहा है मल्टीप्लाई के अंदर पावर देखो क्या लिखी है एट लिखी है और अभी मैंने क्या समझाया था वही इवन ओड वाला सिस्टम अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा और पावर अगर ओड है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा और एट कैसा नंबर है ईवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा आंसर किस में आएगा प्लस के अंदर आएगा ठीक है मैं इसको तो थोड़ा सीरियस कर दूँ तो सेकेंड यहाँ से देखिए माइनस टू लिखा हुआ था पावर एट है अगर आपको क्या देखो कन्फ्यूज देना बिल्कुल भी मैं एक बार आपको वापस स्टार्ट से बता रहा हूँ अगर माइनस साथ में आ रहा है पॉजिटिव अगर प्लस आ रहा है तब तो, तो कोई टेंशन है नहीं आपको आप वो सारा आंसर पॉजिटिव में देंगे प्लस में देंगे माइनस अगर है तो देखना है कि वो माइनस की जो पावर है ना वो इवन है या ओड है अगर इवन है तो उसको प्लस के अंदर काउंट करना है और ओड है तो उसको माइनस में रखना है ठीक तो है तो यहाँ पर माइनस टू पावर एट है एट इवन नंबर है तो आंसर तो इसका क्या आएगा प्लस में ही आएगा अब आपको ओनली टू को ही मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो देखिए टू को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम टू मल्टी टू फोर फोर मल्टी टू एट एट मल्टी टू सिक्सटीन सिक्सटीन यहाँ तक हो गया सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू थर्टी टू थर्टी टू को और टू से मल्टीप्लाई करना है क्या जाएगा सिक्सटी फोर ये भी सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को और यहाँ पर करना है कितना जाएगा वन ट्वेंटी एट और वन ट्वेंटी एट को और टू से करना है तो क्या जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स क्या जाएगा इसका आंसर टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आपको ओनली ये सारे माइनस टू माइनस टू लिखना है लास्ट के टाइम इक्वल लगा के क्या करना है ओनली टू फिफ्टी सिक्स लिखना है ये सिक्सटी फोर ये वन ट्वेंटी आपको नहीं लिखना है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ओनली ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स और पास में साइन कैसा आएगा प्लस आएगा प्लस क्यों आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है इवन है ओके तो ये भी हो गया क्लियर और आज के लिए काफ़ी है आगे वाले क्वेश्चन भी थोड़े से बड़े ही हैं तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो देखिए आज आपको इसका वन टू तो फाइव करना है और सारे करना है ठीक है ना इसमें ज़्यादा बड़े है नहीं क्वेश्चंस और नया कंसेप्ट है तो आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना भी पड़ेगा ओके तो आज के लिए काफ़ी है मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास ओके स्टे होम Take care. Goodbye.